मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? सो मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट वे टू डू रिपीटेड एडिशन। द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास यहाँ पर मैं कुछ पेन ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हुए हैं। एक ग्रुप में मेरे पास टू पेन्स हैं, 1 2 1 2। ओके, मेरे पास टू ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में टू पेन्स, दूसरे ग्रुप में भी टू पेन्स, तो 2 × 2 = 4। ओके, चलिए अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन। कौन सा होता है? इस तरह से। अब देखिए, आप सबसे पहले हम करेंगे वन डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद करेंगे हम टू डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट वाले। तो यदि हम इस तरह से मल्टीप्लाई वर्टिकली में करते हैं, तो देखिए नीचे वाले जो नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका टेबल वहां तक पढ़ना है। तो 3 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे, 3 7 21, तो हमारा आंसर आएगा 21। यही हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर? अब सेकंड देखिए, 6 × 2, यानी कि हमें 2 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक? 6 तक। तो देखिए 2 का टेबल 6 तक पढ़िए, क्या होता है? 2 6 12। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट 0 × 5। आपको यहाँ पे थोड़ा सा रूल ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है 0 को 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, तब भी हमारा आंसर 0 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है 0 × 5 = 0। मैं आपको वैसे करके बताती हूँ, 5 × 0 = 0। नेक्स्ट देखिए, 1 × 6, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पर भी अगर हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर सेम नंबर ही आता है आंसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 × 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सेम। तो 6 × 6, नेक्स्ट 5 × 5, तो 5 5 = देखिए 5 का टेबल हमें कहां तक पढ़ना है? 5 तक। 5 5 = 25। अब नेक्स्ट देखिए, 3 × 7, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर देखिए क्या आएगा? तो 7 का टेबल आप 3 तक पढ़िए, 7 3 = 21। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, अब करते हैं हम टू डिजिट नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमने सवाल लिखा है वंस प्लेस टेंस प्लेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि हमें वंस प्लेस को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4, 4 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, मैंने बताया था जब भी हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर सेम नंबर आता है। इसी तरह से अब करेंगे हम टेंस प्लेस से, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। इस तरह से 4 × 3 = 12, 4 3 = 12। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 22 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई टू, तो टू को हम पहले वंस प्लेस से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था टू टू जा फोर। अब हमने अभी इससे मल्टीप्लाई किया वन से, अब टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस वाले टू से, तो टू टू जा फोर। ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, अब इसको हटा देते हैं, आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा। मैंने अभी बताया था यदि हम नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब देखिए इसके अब क्या करना है, हमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 टू जा 16, 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ गया 16। अब नेक्स्ट है 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर भी हम करेंगे, देखें यहाँ पे भी सेम नंबर है, यहाँ पर भी सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है, ये 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9। अब 3 को 1 से किया तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, 3 1 जा 3, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, यानी हमारा आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राम बॉट 6 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल, ईच हैड 10 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल डिड राम बाय। राम ने 6 बॉक्सेस खरीदे हैं पेंसिल्स के, जिसमें हर बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, तो राम ने कुल कितने पेंसिल्स खरीदी हमें ये बताना है। तो देखिए अब इसको किस तरह से करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ईच बॉक्सेस हैज नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो कितने हैं पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स हैं हर बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो देखिए बॉक्सेस कितने हैं 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए हमें 6 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया था यदि हम नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, ओके, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा, यानी 6 1 जा 6, ठीक है, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 60, तो प्रोडक्ट कितना हुआ 60, यही हमारा आंसर है, ओके। चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।